बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के तहत लालगंज में संचालित MTS वे टू कैरियर केंद्र में छात्र छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। प्रमाण पत्र का वितरण करते हुए लालगंज BDO पुलक कुमार, नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा कि कुशल युवा कार्यक्रम बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना में से एक है। इसके तहत विगत 4-5 वर्षों में पूरे राज्य में लाखों छात्र छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर नौकरी और रोजगार प्राप्त किया है, परंतु कोरोना काल में पूरे सूबे में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित रहा, जो अब हर जगह फिर से शुरू हो गया है। संस्था के डायरेक्टर आफताब आलम ने कहा कि 3 महीने में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 240 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद ऑनलाइन परीक्षा होती है। पास करने वाले विद्यार्थी को सरकार 2 वर्ष तक की प्रति माह बेरोजगारी भत्ता सहित अन्य सहायता भी उपलब्ध कराती है। BSRM के में मिला है 7, जिसमें CIT का और CLS और CSS का मिला है, जिसमें कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज सिखाया जाता है। जिससे हो सकता है कंप्यूटर टर्म जिसको नॉलेज अच्छे से हो जाए, वो सरकारी या कहीं भी जाके अपना काम कर सकता है, और अपना व्यवहार अच्छा हो तो अपना वो अपना सॉफ्ट स्किल हुआ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा हो तभी तो कहीं कहीं जा सकते हैं, अपना अच्छे से दे सकते हैं। ऐसा हमारे में ना 2 स्कीम, एक कुशल युवा प्रोग्राम और एक SHA होता है, सेल्फ अलाउंस। इसमें क्या होता है कि 2 महीने तक, सॉरी दो साल तक होता है, क्या कि 24 मंथ तक 1,000 रुपया हर एक बच्चे को दिया जाता है, जो उस कोर्स करने के बाद KYP ऐसा उनको सिखा दिया जाता है कि वो कोई सेक्टर वो कहाँ से मिलता है कुशल युवा से? बिहार सरकार जो है ना, हर एक बच्चे जिनका एज 20 से 25 साल एज हो चुका है और वो क्या है कि इंटर के बाद पढ़ाई उन लोग छोड़ चुके हैं, उन लोगों के लिए कोर्स होती हैं, और क्या है कि उनको 1,000 रुपये पर मंथ उनको 2 साल तक दिया जाता है। और एक हमारा एक कोर्स होता है कुशल युवा प्रोग्राम, जिसके लिए उनको 1,000 रुपया एज ए सिक्योरिटी मनी लगती है, जो 3 महीने कोर्स पूरा करने के बाद उनके अकाउंट में ही, जब वो सफलतापूर्वक कोर्स पूरा कर लेते हैं तो उनको वापस उन्हीं के अकाउंट